नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर आज हम फिर हाजिर हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर से बेहतर शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों का सम्मान बहरागोड़ा विधायक समीर मानती ने किया। इस बाबत चाकुलिया टाउन हॉल में गुरु श्रेष्ठ शिक्षा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बता दें, बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन 300 शिक्षक अलग अलग स्कूलों में अपनी सेवा दे रहे हैं। ऐसे में इन तमाम शिक्षकों को 13 श्रेष्ठ शिक्षकों को सम्मानित किया गया, जिसमें 12 शिक्षकों में श्रेष्ठ एवं एक शिक्षक को सर्वश्रेष्ठ गुरु के सम्मान से सम्मानित किया गया। मौके पर क्षेत्र के विधायक आयोजक के रूप में उपस्थित रहे। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक किरण कुमारी पासी शामिल रही। आपको बता दें कि जिले में पहली बार ये आयोजन हुआ है, जहां सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को ये सम्मान प्रदान किया गया। इस बाबत विधायक समीर मोहंती ने कहा कि वे खुद एक शिक्षक के पुत्र हैं। उन्हें हमेशा से ये याद रहता है कि एक छात्र के जीवन में शिक्षक कितनी अहम भूमिका अदा करते हैं, और इसी कारण उन्होंने शिक्षकों को सम्मान देने हेतु इस कार्यक्रम का आयोजन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगले वर्ष से इसको और बृहद पैमाने पर आयोजित किया जाएगा, जहां बड़ी संख्या में शिक्षकों का चयन कर उन्हें सम्मानित किया जाना है। पूरा देश और दुनिया के पैमाने में अगर बनता है तो गुरु एक शक्ति है, ताकत है, जो दुनिया तो आसमान तक बनता, चांद तक। लेकिन वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि गुरु के प्रति जो श्रद्धा, हम सोचे एक गुरु का अगर सम्मान करेंगे, हम पहले भी बोले थे पत्थर अगर अपना रास्ता से भटक जाएगा तो उसका जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन एक सिक्का अगर पत्थर से भटक जाएगा तो पूरा छात्र समाज का जिंदगी बर्बाद। इसीलिए हम चाहे किसी चीज के पहले भी देखिए बड़ा बड़ा पुरस्कार, उसमें बहुत समझते थे कि जो सही व्यक्ति उसका चयन होगा। हम सोचे कि अपना क्षेत्र में विशुद्ध रूप से कैसा चयन करेंगे ताकि शिक्षक का हौसला बुलंद हो और आगे ना आने वाला दिन शिक्षा के प्रति लोगों का जो आस्था है विश्वास है, दैनंदिन जीवन में देखने की सरकारी स्कूल के प्रति लोगों का आस्था कम क्यों, जबकि जो आज आए IPS का कुर्सी में बैठ के रिटायरमेंट हुआ है वो लोग निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते आए। लेकिन आज इस तरह का विडम्बना कैसे हो गया कि सरकारी स्कूल की तरह लोगों का नजर प्राइवेट स्कूल। तो हमने सोचा कि सरकारी स्कूल का शिक्षक को प्रतियोगिता के माध्यम से इतना ज़्यादा सम्मान दें ताकि आने वाला दिन हर शिक्षक, समाज के हर शिक्षक ये सोचे कि गुजरात ने हमको जो एक बड़ा काम का जिम्मेदारी दिया, हम इसको निष्ठा के साथ निर्वाह करेंगे, तभी जाकर देश और दुनिया प्रगति की ओर जा सकते। जमशेदपुर में शारदीय नवरात्र के पहले दिन शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी मां की कलश स्थापना की जा रही है। बालीगुमा NH 33 स्थित ठाकुर मंगल सिंह क्लब के द्वारा पूजा पंडाल तैयार किया जा रहा है, जहां ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सप्तमी, अष्टमी एवं नवमी तीनों दिन भोग निःशुल्क वितरित किया जाएगा। कमेटी के अध्यक्ष राजेश सिंह ने कहा कि प्रशासन के द्वारा जो 2 गाइडलाइन दी गई है, उसी गाइडलाइन के तहत यहां पूजा अर्चना की जाएगी। चूंकि आज से नवरात्र शुरू होता है, पहले तो सभी शहर वासियों को माता रानी की तरफ से, मैं अपने तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आज अपार खुशी है क्योंकि हम लोग नवरात्र का पूजा पाठ करते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा पूजा होता है, और मैं सारे शहरवासियों को इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि हमारे जमशेदपुर वासियों को सुख, समृद्धि और शांति दे, और यह नवरात्र का पूजा धूमधाम से संपन्न हो, यही मैं माता रानी से। हम लोग यहाँ पर निःशुल्क भोग वितरण करते हैं 3 दिन, सप्तमी, अष्टमी और नवमी। और चूंकि गाइडलाइन मिला हुआ हमारे प्रशासन की ओर से, पूरी तरह से हम लोग प्रशासन का गाइडलाइन को फॉलो करेंगे और उन्हीं के गाइडलाइन से यह पूजा को संपन्न करेंगे। देश में खेल को बढ़ावा देने हेतु क्रीड़ा भारती के द्वारा लगातार खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन देश भर में किया जाता है, और इसी के तहत जमशेदपुर में भी इसका आयोजन इन दिनों चल रहा है, जहां कोल्हान क्षेत्र से सैकड़ों की संख्या में खिलाड़ी विभिन्न खेलों में अपनी स्पर्धा का परिचय दे रहे हैं।
एग्रीको स्थित ट्रांसपोर्ट मैदान में इसका आयोजन चल रहा है। बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, खो खो एवं कबड्डी जैसे खेलों का आयोजन यहां किया जा रहा है। क्रीड़ा भारती के जिलाध्यक्ष रविशंकर सिंह ने इस बाबत कहा कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों के भीतर खेल की भावना हमेशा बनी रहे, यही क्रीड़ा भारती की सोच है। खासकर इसमें वैसे खेल को शामिल किया जाता है जो अब विलुप्त प्राय हो चुके हैं, ताकि अधिक से अधिक छात्र और युवा वर्ग उन खेलों से जुड़े रहे और उन खेलों का अस्तित्व भी बचा रहे। उन्होंने कहा कि यहाँ से कई बेहतर खिलाड़ी निकलकर आज दुनिया भर में हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। क्रीड़ा भारती खेल मेला का आयोजन पिछला कई वर्षों से करते आ रहा है, लेकिन इस बार विशेषता ये रही कि इसको दो सत्र में बांटा गया था। जो पिछला सत्र 7 और 8 तारीख को संपन्न हुआ, जिसमें 4 गेमों का समागम हुआ था, और आज 14 तारीख और 15 तारीख को भी 4-4 गेमों का लगातार आज से लेकर कल तक चलेगा। विशेषता में है कि इसमें 4 गेमों में जो ओपन में आप देखे होंगे पूरे जमशेदपुर में या पूरे झारखंड में कहीं भी ओपन में बॉक्सिंग की प्रतियोगिता नहीं संभव हो सकता, हम लोगों ने उसका आयोजन किया। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी टीम में हम लोग अभी वॉलीबॉल करवा रहे हैं, और विशेषता है कि जो लुप्त होते जा रही गेम खो खो और कबड्डी जैसे गेम को हम लोगों ने प्राथमिकता दिया है, और इसमें खो खो और कबड्डी की टीम भी काफ़ी मात्रा में आई है। लगभग 1500-1600 बच्चों का यहाँ पार्टिसिपेशन हुआ है, जिसमें कि लगभग 700-800 बच्चे जो है जमशेदपुर के बाहर से आए हैं। और पूरे राष्ट्रीय स्तर में हम लोगों की यही सोच है कि बच्चे, और चाहे किसी उम्र के बच्चे हो या युवा हो या वृद्ध हो, उनको खेल से जोड़ना, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना। अगर हम सजग रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, तभी देश के बारे में हम कुछ चिंता कर सकेंगे। निरंतर समाज सेवा में विभिन्न दिशाओं में कार्य करते हुए प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन, BSSR यूनियन एवं अन्वेषा के संयुक्त तत्वावधान में PSF के वाइस चेयरमैन रहे स्वर्गीय खेम प्रकाश के नाम समर्पित करते हुए प्रथम नवरात्र के पावन अवसर पर जमशेदपुर ब्लड सेंटर परिसर में 2 घंटे का अल्पकालीन रक्तदान शिविर में कुल 44 यूनिट रक्त संग्रह किए गए, जिसमें 4 SDP रक्तदाता भी शामिल है। वहीं 10 सफाई कर्मियों को नए वस्त्र परिधान प्रदान करते हुए तीनों संस्थानों ने मिलकर मानव धर्म को भी निभाया। इस पावन बेला पर जमशेदपुर के जाने माने समाजसेवी सह जमशेदपुर केंद्रीय दुर्गा पूजा कमेटी के नव निर्वाचित अध्यक्ष अचिंतम गुप्ता, योग सम्राट अंशु सरकार समेत कई गणमान्य अतिथि शामिल रहे। प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन, BSSR यूनियन एवं संस्था अन्वेषा के संयुक्त तत्वावधान में आज जमशेदपुर ब्लड सेंटर परिसर में 2 घंटे का अल्पकालीन रक्तदान शिविर और SDP रक्तदान का अभियान, और साथ ही साथ 10 जरूरतमंदों को नवरात्रि के आगाज के साथ नए वस्त्र परिधान आज यहां प्रदान किया गया। और ये आज का दिन समर्पित हुआ PSF के वाइस चेयरमैन रहे स्वर्गीय खेम प्रकाश जी के नाम समर्पित करते हुए आज इस दिन को किरणमयी जयंती उत्सव एवं इन रक्तदाताओं के नाम भी आज कहीं ना कहीं समर्पित हुआ। ये 2 घंटा में रक्तदाताओं का लगातार रक्तदान करने का सिलसिला जारी रहा। शुभ दिन पर माँ दुर्गा का कृपा से इतने अच्छे से दुर्गोत्सव का शुरुआत बड़ा ही आनंददायक है। आज के दिन ब्लड डोनेशन, SDP डोनेशन से लेके यहाँ का सफाई कर्मियों को पूजा के उपलक्ष में नया वस्त्र दान करना एक बहुत सुखद अनुभव है। वहीं दूसरी ओर इस पावन दिन पर विश्व विख्यात योग सम्राट अंशु सरकार ने प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन यानी PSF के निरंतर हर दिशाओं में अनेक कार्यों को देखते हुए जिस तरह से मानव सेवा के क्षेत्र में मिसाल पेश किया जा रहा है, आज संस्था के निदेशक अरिजीत सरकार को मानव सेवा सम्मान से सम्मानित भी किया गया। सम्मान को ग्रहण करते हुए PSF के निदेशक अरिजीत सरकार ने अपने इस सम्मान को किरणमयी जयंती उत्सव, PSF के वाइस चेयरमैन रहे स्वर्गीय खेम प्रकाश एवं संस्था के सभी सदस्यों के नाम समर्पित किया। और आज ये प्रतीक फाउंडेशन के द्वारा जो इस ब्लड डोनेशन कैंप में जो शुभ कार्य कराया गया, अंग वस्त्र वितरण, अच्छा फील कर रहा हूँ, एक अच्छा अनुभूति महसूस कर रहा हूँ। एक बार पुनः सभी को दुर्गोत्सव का शुभकामनाएं देते हुए धन्यवाद। अवसर पर प्रतीक संघर्ष समिति
जो अच्छा काम किया इसमें हम लोग को भी बुलाया है, इसके लिए हम लोग उसके लिए अपने को बहुत गर्वित तो अनुभव कर रहा हूँ। और प्रति संघर्ष जो काम कर रहे हैं हम लोग, कोई भी काम नहीं तो हम लोग को बुलाएंगे तो हम लोग हरदम उसका साथ रहेंगे। माँ दुर्गा का शुभारम्भ आज से शुरू हुआ, इसमें सबको हम लोग आंतरिक दुर्गा सबका अभिनंदन करता हूँ। जमशेदपुर के टाटा मोटर्स के संवेदक बीवीजी के द्वारा विगत 5 महीनों से 12 सफाई कर्मियों का ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया जा रहा था। इतक के प्रदेश सचिव अंबुज ठाकुर के प्रयास से सभी मजदूरों का ग्रेच्युटी मजदूरों को प्रदान किया गया। बता दें ये सभी वैसे मजदूर हैं जो विगत कोरोना काल के दौरान काम से बिठा दिए गए थे और तब से लगातार ये अपने ग्रेच्युटी के लिए संघर्ष कर रहे थे। विगत 5 माह पूर्व इतक के प्रदेश सचिव अंबुज ठाकुर ने उप के पास इन्हें न्याय दिलवाने हेतु गुहार लगाई। इनके प्रयास से कई दौर के वार्ता के बाद उक्त संवेदक ने तमाम कर्मचारियों के ग्रेच्युटी को देने पर हामी भर दी। कुल 2,43,000 की राशि तमाम मजदूरों के बीच वितरित की गई। ग्रेच्युटी भुगतान पाकर तमाम मजदूरों के चेहरे में खुशी नजर आई। वहीं एटक के प्रदेश सचिव अंबुज ठाकुर ने टाटा मोटर्स प्रबंधन एवं बीवीजी के प्रबंधन का आभार व्यक्त किया, साथ ही इसे मजदूरों की जीत करार दी। मैंने हम लोग को कोरोना की वजह से बैठा दिए थे, 1 साल से बैठे हुए थे तो काम नहीं चल रहा था, तब हम ग्रेच्युटी के लिए ये किए थे DLC ऑफिस से, मिल गया हम लोगों को। हाँ खुशी है, अंबुज भैया है हम लोगों को, प्रयास से मिले। इसके अधीन ठेका प्रबंधन बीवीजी नामक ठेका प्रतिष्ठान है जिसके अधीन इन लोग सभी कार्यरत कर रहे थे। कोरोना काल में इनको सभी को बैठा दिया गया था, इन्होंने हमारे पास आवेदन दिया उप शर्मायुक्त के पहल पर। आज उसका निष्कर्ष यह है कि कंपनी की प्रबंधन के तरफ से राजू जी हैं और उपस्थित होकर के शर्मायुक्त के कार्यालय में इन्होंने सभी मजदूरों का जो ग्रेच्युटी का चेक बन रहा था उनको दिया है। हम धन्यवाद देते हैं टाटा मोटर प्रबंधन को, धन्यवाद देते हैं बीवी जी के प्रबंधन को कि इन्होंने सकारात्मक पहल इस पूजा के समय में जो भुगतान किया है इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। कुल कितने लोगों को? अभी 8 मजदूरों का चेक भुगतान हुआ है, 4 मजदूरों का और बकाया है जिस पर अगली तिथि में उनका भी भुगतान कर दिया जाएगा। जमशेदपुर के सुनारी सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी ईस्ट लेआउट बड़तल्ला के तत्वावधान में महालया के पूर्ण प्रभात में आगमनी संगीत अनुष्ठान का आयोजन पूजा मैदान में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः 4 बजे प्रभात फेरी के माध्यम से हुई। तत्पश्चात महिलाओं ने आगमनी गीत प्रस्तुत किए जिसमें ओगो आमार आगमनी, शिशिरे शारदो प्राते आदि गीत प्रस्तुत किए गए। इस वर्ष बड़तल्ला दुर्गा पूजा कमेटी अपनी 55वीं जयंती मना रही है। काल्पनिक मंदिर का प्रारूप पंडाल के रूप में तैयार किया जा रहा है। मूर्ति इस वर्ष कोलकाता के कुमार टोली से आ रही है, ढाकी मिदनापुर से आ रही है। महाप्रसाद का आयोजन 3 दिन यहां रहेगा। पूजा पंडाल का उद्घाटन षष्ठी के दिन झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता करेंगे। पूजा का आयोजन भव्य तरीके से किया जा रहा है। इस बार जो है मूर्ति कोलकाता के कुमार टोली से लाया जा रहा है और ढाकी जो है मेदिनीपुर से लाया जा रहा है। भोग वितरण का भी प्रोग्राम है जो 3 दिन का प्रोग्राम चलेगा। 20 तारीख को षष्ठी के दिन दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री बन्ना गुप्ता जी मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल हम नए खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।